यूपी में इंडिया अलायंस का टूटना तय। कल रात अमित शाह जेपी नड्डा से मिले। जयंत चौधरी जल्द एनडीए में शामिल होने का कर सकते हैं ऐलान। अलायंस को लेकर आरएलडी नेता का खुलासा। बीजेपी ने 4 सीटों की पेशकश की है, हमारी तैयारी 12 सीटों को लेकर है। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की भी एनडीए में हो सकती है वापसी। कल देर रात अमित शाह से मिले चंद्रबाबू नायडू। केंद्र सरकार लोकसभा में ला सकती है श्वेत पत्र। यूपीए और एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर होगा श्वेत पत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में रखेंगी श्वेत पत्र। यूपीए सरकार के 10 साल के आर्थिक हालात का होगा जिक्र। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने की मांग, सरकार अपने 10 साल का लेखा जोखा तैयार लेकर आए। मेहुल और नीरव का पेपर भी लाए। आरजेडी नेता मनोज झा ने श्वेत पत्र को बताया सफेद हाथी। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जनता को सब पता है। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने श्वेत पत्र को बताया जरूरी। जनता को सच जानना चाहिए। आज अर्थव्यवस्था जो आगे जा रही वो हमारी नीतियों का नतीजा है। केंद्र सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस ने तैयार की विशेष रणनीति। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ला सकती है ब्लैक पेपर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पेश करेंगे ब्लैक पेपर। मोदी सरकार के 10 साल का लेखा जोखा करेंगे पेश। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी को मिला बड़ा सबूत। विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट आई सामने। सरकारी रिकॉर्ड्स की जानकारी शेयर कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने संपत्तियों से जुड़ी कई गोपनीय जानकारी भी शेयर की। विनोद सिंह के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी ईडी ने चैट रिकवर की। हेमंत सोरेन की ईडी कस्टडी 5 दिन तक बढ़ी। जमीन घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका। ईडी की शिकायत के बाद समन जारी। 17 फरवरी को पेश होने का आदेश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। न्याय यात्रा शुरू होने पर कई लोग उनकी पार्टी छोड़ रहे। पहले तो उन सब के साथ न्याय हो जाए। लालू से दोस्ती तोड़ने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। जेपी नड्डा से मिलने के बाद बोले नीतीश कुमार, 2 बार इधर उधर हो गए, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, बिहार में खेला तब होगा जब उन्हें सत्ता से करेगी बाहर। अविश्वास प्रस्ताव पर बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की 2 टूक। कहा, कानून के अनुसार जो होगा वही करूंगा, नहीं देंगे इस्तीफा। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे। यूसीसी बिल के कानून बनते ही लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी होगी गैर कानूनी। पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा हुआ। विधानसभा में यूसीसी पास होने के बाद बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने यूसीसी बिल को बताया सबके लिए। कहा, किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं, इसमें किसी को टारगेट नहीं किया गया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित होने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी बधाई। कहा, समय आने पर यूपी में भी इस प्रकार का वातावरण देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा शरद पवार गुट। ईसी ने अजित गुट को बताया है असली एनसीपी। शरद पवार को मिला पार्टी का नया नाम। चुनाव आयोग ने एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दिया। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग को 3 नाम बताया। शरद पवार मामले में चुनाव आयोग ने वही फैसला दिया जो पहले से तय था। उद्धव ठाकरे का निशाना। कोर्ट जाने से शरद पवार गुट को कोई फायदा नहीं मिलेगा। अजित गुट के नेता छगन भुजबल का बयान। मुंबई में एनसीपी को लेकर पोस्टर वार शुरू। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। अजित पवार के खिलाफ लगाए पोस्टर। चुनाव आयोग के फैसले के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार पहुंचे एनसीपी ऑफिस। समर्थकों ने मनाया जश्न, पटाखे फोड़े। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में एनसीपी समर्थकों ने की पूजा। लोगों में बांटा लड्डू और प्रसाद। राज्यसभा में पीएम मोदी ने तीसरी बार जीतने का दावा किया। कहा, 3.0 में विकसित भारत बनाऊंगा, पूरे 5 साल का प्लान बताया। राज्यसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला। बोले, 40 सीट बचा ले, यही कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का निशाना। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं, वह मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रही। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया, लेकिन वो न लिफ्ट हो पा रहा है न लॉन्च। पीएम मोदी ने कांग्रेस को आउटडेटेड और बीमार बताया। कहा, उसे डॉक्टर भी नहीं बचा सकते। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस अब देश के तोड़ने का नैरेटिव चला रही है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बंटवारा पैदा कर रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पिछड़ों के विरोधी बताया। बाबा साहेब ना होते तो SC ST को आरक्षण तक नहीं मिलता। चुनावी मंच हो या संसद, प्रधानमंत्री का हर भाषण सिर्फ झूठ का अंबार। राहुल गांधी का निशाना। एनडीए का मतलब नो डेटा अवेलेबल, ये सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना। प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं। उनका भाषण सुनकर दुख हुआ। शरद पवार बोले, नेहरू का योगदान भुला नहीं जाया जा सकता। ओडिशा के जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, नेहरू की आलोचना करने और उनके बदनाम करने के अलावा और कोई काम नहीं कर पाते।
तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का दावा, कहा तमिलनाडु में बढ़ रही है बीजेपी। तमिलनाडु के 20,000 बूथों पर सुनी गई थी पीएम मोदी का मन की बात। एमपी के भोपाल में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल, सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीजी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान के भगवान राम के रंग पर टिप्पणी पर इकबाल अंसारी का जवाब, कहा कांग्रेस के नेताओं को भगवान के रंग पर टिप्पणी से बचना चाहिए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा ये पार्टी से सनातन द्रोही है, मंदिर बनने से कांग्रेस के नेता उल जुलूल बयान दे रहे हैं। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा का मुख्यमंत्री समीपेशु कार्यक्रम, जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हंगामा, टीएमसी के दो गुटों में झड़प, दोनों तरफ से कई लोग। स्थानीय लड़कों को नौकरी देने की मांग पर हुआ हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काया काबू। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे सिकंदराबाद, रेलवे स्टेशन के निर्माण कामों का किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर हुई टारगेट किलिंग, आतंकवादियों ने पंजाब के दो शख्स को मारी गोली। श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आतंकवादियों की फायरिंग में अमृतपाल सिंह नाम के शख्स की मौत, 27 साल का रोहित गंभीर रूप से घायल। आतंकवादी हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, आतंकवादियों की तलाश में पुलिस चला रही अभियान। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई, कहा पाकिस्तान माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा। जोधपुर में 17 फरवरी को एयरफोर्स का एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024, वायु शक्ति अभ्यास के लिए तैयारियां जारी। एक बार फिर से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, 6.5% पर ही बनी रहेगी ब्याज दर। राजस्थान के गंगापुर में बोरवेल में गिरी 24 साल की महिला, बचाव अभियान में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में कार पर पलटी 10 पहिया लॉरी, 6 की मौत, कई अन्य गंभीर रूप से घायल। एक्शन में नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल, अपने दफ्तर में कुख्यात अपराधियों की कार्रवाई रेट। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक व्यापारी के बेटे वैभव सिंघल की हत्या, पूरे इलाके में फैला तनाव। पुलिस ने वैभव के दो दोस्तों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया, एक महिला मित्र के लिए दोनों दोस्तों ने की हत्या। वैभव सिंघल 29 जनवरी से थलापता, माज पठान नाम के एक दोस्त के साथ महिला मित्र को लेकर हुई थी झड़प। पुलिस के साथ एनकाउंटर में माज पठान के पैर में लगी गोली, माज के पास से वैभव का मोबाइल, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद। श्रीनगर के मेहताब बाग इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग लगते ही दूदू कर उठी लपटे, घर में रखे लाखों के सामान का नुकसान। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, हरदा एसपी को हटाया। नागपुर में 111 बाइक चुराने वाला वाहन चोर गिरफ्तार, क्रिकेट में सट्टा लगाने और पत्नी के महंगे शौक पूरा करने के लिए चुराता था बाइक। कर्नाटक में हुक्का पर लगा बैन, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ से यातायात बंद, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। चमोली में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब गोविंद घाट से दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ, 2 से 3 फीट बर्फ से ढका इलाका। लद्दाख के जोजिला पास में भी भारी बर्फबारी, नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद, बीआरओ की टीम सड़क से बर्फ हटाने में जुटी। जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा के गुरेज घाटी में दूर तक फैली बर्फ की सफेद चादर, बर्फ पर क्रिकेट खेलते दिखे स्थानीय लोग। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी, डल झील का पास दिखा सन्नाटा। गुजरात के साबरमती में साबरमती से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन शुरू, सीएम भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र के ठाणे से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना, स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नजर आए लोग। गुजरात के अहमदाबाद में रमाबाई अंबेडकर की जयंती मनाई गई, सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल। पाकिस्तान में आज ही हो रहा है आम चुनाव, नेशनल असेंबली की 266 सीटों के लिए डाले जा रहे वोट। नेशनल असेंबली की 336 सीट में से 70 सीट महिला और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए रिजर्व, 12,69,00,000 लोग डाल रहे वोट। नेशनल असेंबली के लिए 44 पार्टियां के बीच टक्कर, 5,121 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग ने किया फ्रीज, पीटीआई के उम्मीदवार बतौर निर्दलीय लड़ रहे चुनाव। वोटिंग से पहले पाकिस्तान में कड़ी की गई सुरक्षा, 90,582 पोलिंग बूथ में से 17,500 बूथ अत्यधिक संवेदनशील घोषित। पाकिस्तान में चुनाव से पहले बलूचिस्तान में 2 बम धमाके, कम से कम 26 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। पहला धमाका पिशन इलाके में निर्दलीय उम्मीदवार असफंदियार खान के दफ्तर के बाहर हुआ, कम से कम 15 लोगों की मौत। दूसरा धमाका किला अब्दुल्ला क्षेत्र में जमीयत उलेमा इस्लाम के दफ्तर के बाहर हुआ, दूसरे ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ सीज़फ़ायर से कैनका पूर्ण जीत तक जंग जारी रखने की बात दोहराई। पीएम नेतन्याहू ने कुछ ही महीनों में जीत का जताया भरोसा, कहा जंग के अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं।
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। ब्लिंकन ने रखा सीज फायर और बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। बंधकों की रिहाई और जंग रोकने के उपायों पर की चर्चा। इसराइल के बाद रामल्ला में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिले एंटनी ब्लिंकन। हमास और इसराइल के बीच सीज फायर के उपायों पर की चर्चा। इसराइली एयरफोर्स ने गाजा के राफे पर भी बमबारी की। एक कार और रिहायशी इमारत को बनाया निशाना। इसराइली एयर स्ट्राइक में एक बच्चे और तीन लोगों की मौत। दर्जनों घायलों को कुवैती अस्पताल में पहुंचाया गया। इसराइली हमले में गाजा में पिछले 24 घंटे में 123 लोगों की मौत। अब तक 27,707 फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइली सेना को खान यूनिस में मिला टनल का नेटवर्क। हमास के लड़ाकों और बंधकों को छिपाने के लिए किया जाता था इस्तेमाल। इसराइली सेना ने टनल का वीडियो किया रिलीज। सुरंग के अंदर बेड, फ्रीज और खाने पीने का सामान और दवाइयाँ बरामद। इसराइली सेना ने कई टनल को बमबारी करने के तबाह किया। हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा मिसाइल अटैक। 4 लोगों की मौत जबकि 35 लोग हुए घायल। रूस ने एक बहुमंजिला इमारत को किया टारगेट। मिसाइल के धमाके के बाद इमारत में लगी आग। अमेरिका के कोलोराडो में एक ट्रेन पटरी से उतरी। फ्यूल टैंक में छेद होने से हजारों गैलन डीजल बहा। स्लोवाकिया में संसद के बाहर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। कानून में बदलाव की सरकार की योजना का विरोध किया। ग्रैमी अवार्ड जीतने पर बोले शंकर महादेवन, मेरे लिए यह एक सपना जैसा हो जा जो सच हो गया। 25 वर्षों के दौरे के बाद हम यह ग्रैमी मिला।